अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्बास जान बंगश। आज इस वीडियो की वसादत से मैं आप तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से इतने कम अरसे में मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। वायरस से जान बचाने अफराद की तादाद के हवाले से बताते हैं, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, तो इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने घर में बैठना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने हमें स्कूल की छुट्टियां इसलिए नहीं दी कि हम बाहर जाके खेलें या कूदें, बल्कि इसलिए दी है कि हम अपने घरों में बैठकर इस बीमारी से महफूज रह सकें। स्प्रिट या सैनिटाइजर को अपनी जेब में रखें ताकि इसकी मदद से इसकी रोकथाम की जाए। उस पर चिनार खुशहाल पाकिस्तान। सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आप वीडियो एडिटिंग किस एप्लीकेशन में करते हैं, तो जनाब मैं वीडियो एडिटिंग काइन मास्टर में करता हूं। यहां पे ऑलरेडी ओपन है, ये ऊपर फर्स्ट ऑप्शन से कटेगा, यानी लेफ्ट वाला कट जाएगा राइट वाला रह जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट का बैकअप बनाने का तरीका सीखेंगे। उन्होंने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है इस्लाम 360 के नाम से। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कमांड देता हूँ वॉइस कमांड, सूरह यासीन की तिलावत करें। तर्जुमे के साथ या तर्जुमे के बगैर? तर्जुमे के साथ। ये देखिए जी, कोरोना का होगा ना तुमको बुखार, जो करते रहोगे उजू बार बार। या अल्लाह तमाम आलम इंसानियत को इस बीमारी से महफूज फरमा, और जो भी इस बीमारी में मुबतला है उनको शिफा दे दे। Thank you.
शैला कुमारी नाम है मेरा, मैं हिंदू कम्युनिटी पारशनार की प्रेसिडेंट हूँ। सुनते आए हैं हम लोग बचपन से, जानते हैं और दिलों में कहते आए हैं हमेशा हुसैन सबका, लेकिन आज पहली बार आंखों से देखा वाकई हुसैन सबका। कतली मीत बा पल चिदे पल लकड़ी सबला दर्पी अगया एहसास रे जरी शो कतली मीत बा क्या आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इंशाल्लाह हमारा ट्रिप बस शुरू होने वाला है। मैं समझता हूँ ये अदा खाना या जहरा और मातम खाना इमामबाड़ा जिसमें तरवीज दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद और आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा होगा। हुसैन कहते हैं हमसे खुदा नमाज न हो خطيب امام جمعه والجماعات حجة الاسلام والمسلمين اغاي فدا حسين مزهري لوسنا يا ياد ميرام قدم قدم سو يا حرام قدم
نمیدانم که می باشم کجا بودم کجا هستم اگر عاقل اگر دیوان خود را